हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा HDFC बैंक के जो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग से आप कैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर सकते हो बहुत आसान और इजी तरीके से। तो मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो दिया HDFC बैंक के ऊपर, कैसे जीरो बैलेंस में अकाउंट बनाना है, कैसे नेट बैंकिंग खोलना है, कैसे पासवर्ड रिसेट करते हैं, कैसे कस्टमर आईडी ढूंढते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे वीडियो मैंने दिया HDFC बैंक के ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना कैसे HDFC बैंक का। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे HDFC बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग से आप आपका घर का बिजली का बिल आप पे कर सकते हो बहुत आसान और इसी तरीके से। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं HDFC मोबाइल बैंकिंग से आप आपका बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हो बहुत आसान और इजी तरीके से। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग HDFC मोबाइल बैंकिंग से आप आपका बिजली का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैसे जमा कर सकते हो बहुत आसान और इजी तरीके से। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने पिछले HDFC बैंक के ऊपर बहुत सारे वीडियो दिया, जैसे नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करते हैं, कस्टमर आईडी कैसे आपको पता करना है, या लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कैसे अगर भूल गए हो तो कैसे रिसेट करना है, या बैंक अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, ऐसे बहुत सारे वीडियो दिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं HDFC मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप है उसको पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पिन देना होगा। पिन देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको पहले जो आप करना चाहते हो उसको ऐड करना होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो उसको ऐड करने के लिए 3 लाइन में क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली पे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। पे ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है बिल पे, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का, मैं दूसरे यहाँ पर फोन में आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर एक ऐड बिलर, यहाँ पर बिलर मेरा ऐड हुआ है। तो ऐड बिलर में आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको बिलर ऐड करना होगा, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो आपका ऑपरेटर है उसको आपको यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर सभी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर आपको मिल जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर है आपको पहले यहाँ से चूज कर लेना है। चूज सिंपली यहाँ पर कर लीजिए, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, उसके बाद चूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंज्यूमर नंबर आपको देना होगा। कंज्यूमर नंबर आपका आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है इस बिल में आपको कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा, वहां से कंज्यूमर नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे बिलर का नाम देना होगा, जो जिस जिसके नाम से बिल है बिलर का नाम आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनेबल ऑटो पे आप देख सकते हो, तो आप एक बार ही इसको इनेबल कर रखना होगा। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप बिल पे करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से बिल पे ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर नहीं करना चाहते तो इसको डिसेबल करना होगा। और अमाउंट विल बी डेबिटेड विद इन 4 वर्किंग डेज, 4 दिन के अंदर ये आपका डेबिट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से, आप बिल पे हो जाता है। और आप जिस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पर उसका सेव है। तो मैं यहाँ पर ऑटो जो पे है इसको डिसेबल करके रखूंगा, और उसको फिर से मैं कंटिन्यू आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ आ जाएगा, मेरा यहाँ पर बिल यहाँ पर दिख रहा है कितना मुझे पे करना होगा, उसका पे करेंट बिल में क्लिक करना होगा। आप यहाँ से आप कौन सी डेबिट कार्ड या कौन सी अकाउंट से पे करना चाहते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंट यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे कन्फर्म वाले बटन में क्लिक करना होगा। करते ही आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो मैंने ऐड किया अभी वो यहाँ पर बिलर ऐड हो गया है। तो वेरिफिकेशन पेंडिंग हो गया, यहाँ पर होके रखा है। तो इस वेरिफिकेशन होने में कुछ टाइम लगता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पर यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर मैसेज रिसीव्ड हुआ है मेरे टेक्स्ट मैसेज में। तो इसके बाद आपको यहाँ पर 2 दिन बक लगता है, 2 दिन आपको यहाँ पर वेट करना होगा। 2 दिन के बाद ये जो बिलर है बिलर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 2 दिन के बाद आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर बिलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर पे वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर सकते हो। ये एक बार ही आपको करना होगा, एक बार करने से ही आप बार बार बिल यहाँ से पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन में क्लिक करके पे ऑप्शन में क्लिक करना होगा। पे ऑप्शन में क्लिक करके बिल पे में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हो मेरा यहाँ पर दोनों जो मैंने बिलर ऐड किया यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कितना बिल आपको पे करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है पे का, और जिस अकाउंट से पे करना चाहते हो, जिस डेट में पे करना चाहते हो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो।
तो मैं आज ही पे करना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद पे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद कॉन्फर्म वाले बटन में क्लिक करके आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा, आप देख सकते हो योर रिक्वेस्ट फॉर मेक पेमेंट ट्रांजेक्शन हैज बीन एक्सेप्टेड, आपका पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है। और यहाँ पर डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पर डन कर सकते हो, और यहाँ पर आपका बिल का हिस्ट्री आ जाएगा नीचे, यहाँ पर पेड हो गया है मेरा बिल, ठीक है। तो आपको यहाँ से बिल का डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आपके मोबाइल में भी एक मैसेज यहाँ पर आ जाएगा बिल पेमेंट होने के बाद, और आपके मेल में भी एक मैसेज आ जाएगा बिल पेमेंट हो जाने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही जो HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग है, आपसे ऐसे ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।